नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना और इस दीपावली का आना, दोनों का कनेक्शन बहुत बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति धन के कारक रहे हैं और धन जब तक नहीं होगा तब तक दीपावली में मजा नहीं आएगा। दीपावली को हम देखते ही इसीलिए हैं कि हमारे पास धन पैसा रुपया पैसा सोना चांदी आए। तो देव गुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे 18 तारीख से, 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मार्गी रहेंगे और 4 तारीख की है दीपावली, तो क्या इस दीपावली में आपकी राशि को देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा? एक तरफ देव गुरु बृहस्पति, दूसरी तरफ मां लक्ष्मी यानी कि शुक्र, क्या दोनों ग्रहों को प्रसन्न करके आप इस दीपावली में शुभ लाभ ले पाएंगे? लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति की, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पैसा इनके हाथ में है देना, संतान देना इनके हाथ में है, खुशियाँ देना इनके हाथ में है, शिक्षा देना इनके हाथ में है, मान सम्मान देना इनके हाथ में है, बीमारियों से बड़ी बीमारियों से मुक्ति दिलाना इनके हाथ में है, अच्छी सलाह देना इनके हाथ में है। यानी हमारे जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो देव गुरु बृहस्पति तय करते हैं, और अगर देव गुरु बृहस्पति ही खराब हो गए तो समझ लीजिए फिर कोई नहीं बचा सकता। तो आइए जानते हैं आपकी राशि पर मार्गी देव गुरु बृहस्पति इस दीपावली में क्या खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्या कोई बढ़िया करने वाले हैं। ये जो जानकारी होगी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। तो जो भी लोग धनु राशि के हैं वो एक बार ध्यान से अपनी गोचर कुंडली पर नजर डालें। गुरु जो है सेकंड हाउस में बैठे हैं जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी मकर राशि में, अपनी नीच राशि में, यानी धन भाव में गुरु मार्गी होंगे, यानी कि कुछ तो शुभ परिणाम मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है। तो आपकी राशि के लिए गुरु लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लग्न क्या हुआ, पहला घर जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव यानी कि चौथा घर जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर यानी कि धनु राशि, 12 नंबर यानी कि मीन राशि, और गुरु मीन और धनु के स्वामी हैं। गुरु पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव क्या है, जहाँ पर वृषभ राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है। गुरु सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, और गुरु नवम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि बुध की राशि कन्या को देखेंगे। अब बुध और गुरु की थोड़ी सी टेंशन चलती है, थोड़ी सी परेशानी चलती है। और ये भी बता दूं, ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव जो है वो शनि के मित्र हैं, क्योंकि गुरु और शनि की युति भी सेकेंड हाउस में ही हो रही है और शनि अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। तो आपकी जुबान को आपको मीठा रखना होगा। ये जुबान ही सारे अच्छे और बुरे काम कराती है। ये जुबान अच्छी तो सब अच्छा, तो अपनी जुबान को मीठा रखिए, जुबान से तीखे शब्द ना निकालिए। रिश्तों में मधुरता रखें, प्यार से बात करें, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बॉस सीनियर, जो भी आप रिश्ते निभाते हैं, पास पड़ोस के रिश्ते हों, एक दुकान से सब्जी भी लेने जाते हैं तो दुकानदार से भी प्यार से बात करिए, तू तला करके बात मत करिए, नहीं तो विवाद घर पर भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। मित्रों से भी मीठा बोलें, एक गलत शब्द परेशानी का कारण, ग्राहकों से उल्टा सीधा बोल दिया तो समझ लीजिए पैसों का नुकसान। आपकी सरकारी अधिकारियों से बढ़िया जान पहचान इस समय में बढ़ेगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। मांगलिक कार्य यानी कि घर के जो शुभ काम होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वहाँ पर जरूरत से अधिक खर्चा मत करिएगा, शोबाजी मत दिखाइएगा, जितने चादर हो उतने ही पैर पसारिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। शोबाजी में, दिखावे में पैसा मत खर्च करिएगा। विवाहित हैं तो ससुराल से लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। आपकी सरकारी अधिकारियों से जो अच्छी दोस्ती है इसका भी लाभ उठाने की कोशिश करिएगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए ये दीपावली बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। जिद्दीपन को छोड़ना है, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो मिट्टी से भी सोना पैदा कर लेंगे। वाणी को कठोर ना रखें, बुद्धि का प्रयोग करें, और बिना बुद्धि के प्रयोग के किसी के कही सुनाई बातों के आकर कोई भी काम ना करें। अपनी कमियों को दूर करते जाएं, तरक्की होती जाएगी, ससुराल से लाभ होगा, बुद्धिमानी सभी प्रकार से सांसारिक सुखों को देने वाली होगी,
बहुत सारे सुख और आराम आपको मिल जाएंगे। ध्यान रहे, सभी के साथ बढ़िया व्यवहार बना रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दीपावली में मिलेंगे। अविवाहितों को रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, प्रेम संबंध में तनाव जो था वो कम हो जाएगा, विवाह के लिए परिवार वालों की सहमति हो जाएगी। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहते हैं तो यहाँ पर बात बन जाएगी। पुराने दोस्तों यारों से घनिष्ठता बढ़ेगी, फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन जाएंगे। सरकार की तरफ से धन प्राप्ति के योग है, हर दिन पैसा बढ़ता चला जाएगा, कठिन मेहनत करने से सभी काम पूरे होंगे। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, वक्त से पहले अपनी जुबान को ना खोलें, अपने कागज के पन्नों को ना खोलें और अपने तुरुप के पत्ते को छुपा के रखें तो और ही बढ़िया होगा। ऐसा करने से संघर्ष कम होगा, भूमि भवन वाहन में बढ़ोतरी होगी, एनजीओ वगैरह या किसी समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं तो वहां से लाभ हो जाएगा। शत्रु परेशान जरूर करेगा लेकिन आपको बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। कोर्ट कचहरी के कामों में शुभ और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद दूर होंगे, कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी वो बिक वगैरह जाएगी। कभी भी सीनियर की बात को इधर उधर ना करें, चुगली वाली जो आदत है उससे बचे रहिएगा, यह वक्त बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। गुरु की सीधी चाल आपके जीवन को सीधा कर सकती है, अच्छे रिजल्ट दे सकती है। छोटी छोटी सावधानियों के साथ इस दीपावली को बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, अगर धन कमाना चाहते हैं, रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं और इस दीपावली को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो करना क्या है, मीठा बोलना है, सही सोचना है और इधर उधर की बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। देव गुरु बृहस्पति को बढ़िया करने के लिए क्या कर सकते हैं, हल्दी का पीला टीका लगा सकते हैं, घर पे हल्दी सबके होती है। देव गुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, केले के पेड़ की बृहस्पतिवार को पूजन कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ा सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कुल पुरोहित को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए धर्म स्थान, जो भी आपके घर के नजदीक मंदिर हो वहां जाके मत्था टेकें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं। या मंदिर की कभी कभार सफाई कर लें, गौ सेवा कर लें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है। तो इतने छोटे छोटे काम कर लेने से देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। कई बार तो हम ऐसी सलाह भी देते हैं कि अपने घर में पीले पौधे लगा लें, जिस पौधे में पीले रंग के फूल खिलते हों, इससे भी देवगुरु बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक काम करिए, हल्दी को लीजिए, हल्दी से अपने दरवाजे पर या जहां पर भी ऑफिस है वहां पर स्वास्तिक बना लें, इससे भी आपको शुभ परिणाम मिल जाएंगे। जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं और आप इस समय में अपनी जुबान को कंट्रोल में रखकर चलते हैं तो ये समय ये दीपावली लाभ की होगी। नमस्कार प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ, जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू, इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीजें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्द का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर लाजवर्द है वहाँ पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियां भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं, ये हैं वो पांच चीजें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस
सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है, प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है, विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा, आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नजदीक है और हम चाहते हैं ये वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।